क्या हुआ काम का सफी खान बाबा? ये वाला काम तैयार हो गया है। हाँ, ये भी तैयार हो गया है। सही है। पीछे मार्केट का काम लगा हुआ है, उसका काम जारी है। तो पेमेंट्स का क्या हुआ? पेमेंट दो बंदे रहते हैं। अच्छा, तो शबीर खान और इरशाद ने अभी तक पेमेंट नहीं की? उन दोनों ने नहीं की। चलो आज उनसे पेमेंट लो। ठीक है। हाँ जी जी जी, ये पेमेंट के ग्राफ चेक कर लें। हाँ, अभी पेमेंट आई इनकी। सही है, आने लगा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह आपको पता है आज नुमान भाई की फ्लाइट आनी है। अरे यार सफीर, आज तो नुमान ने लैंड करना था। चलो नुमान को और पेमेंट वालों को बोलो आज तुम्हारी पेमेंट माफ है नुमान के आने की खुशी में। ठीक है, चलो नुमान को लेने चले एयरपोर्ट पे। चलो सर। हाँ सफर तुम्हारा नुमान। To be honest bro, I wasn't satisfied with Islamabad airport. चलो बाकी तो तुम ठीक हो ना? नुमान ये क्या फरंगियों वाले टट्टू मट्टू हैं यार। Brother, it's you know type of art. आर्ट ये नहीं होता, पर चलो चलो नुमान लंबी फ्लाइट थी, तुम भी जाके रेस्ट करो। yes, मिलते हैं तुम्हारी रेस्ट के बाद। ओके ब्रो। क्या गंदगी है, क्या बदबू है, क्या पोल्यूशन है। नुमान भाई आपको लाला बुला रहे हैं। कितनी मर्तबा तुम्हें बोला है कॉल मी ब्लडी मनी नॉट नुमान। तुम जाओ, मैं बचा नहीं हूँ, खुद आ जाऊंगा मैं। ठीक है भाई। ब्लडी गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग आगे नुमान। yes, bro. कैसी रही रात तुम्हारी? It was great. Kind of great. चलो तुमको दिखाएं हमने क्या बनाया है। Come on, let's go, man. नुमान, ये इन्वेस्टमेंट भी हमारी है, वो इन्वेस्टमेंट भी हमारी है, और पीछे डेवलपमेंट का और भी काम चल रहा है। सही है। Why are you wasting your money here, bro? Invest in Europe or America? Europe या America में invest करके मुझे वो फायदा या वो दिल को सुकून नहीं होगा जो अपने मुल्क में होगा। Bro, you keep saying अपना मुल्क अपना मुल्क। इस मुल्क ने हमें दिया क्या है? इस मुल्क ने तुम्हें दिया क्या है? ये जो तुम आज़ादी की सांस लेते हो ना, ये इस मुल्क की फिजा है। जाके फलस्तीन और कश्मीर वालों से पूछो आज़ादी होती क्या है। दूसरे मुल्कों में तुम शहजादों की तरह रहते हो, वो इसी मुल्क से कमाए हुए पैसे हैं, इसी मुल्क की पहचान है जो तुम लेके घूमते हो। जुनून, तुम्हारा गरूर और तुम्हारी पहचान यही मुल्क है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग इन योर लैंग्वेज, कपड़े बदलने से जिस्म नहीं बदला जा सकता। तुम जिस मर्जी मुल्क का पासपोर्ट ले लो, खून तो तुम्हारा इधर का ही है ना। नो ब्रो, आई वाजंट सेइंग दैट थिंग। मेरा कहने का ये मकसद था कि यहाँ पे करप्शन और पोल्यूशन और दिस एंड दैट, ये बहुत खराबी पैदा करते हैं इस मुल्क के लिए। और जिस पोल्यूशन की तुम बात कर रहे हो, इसी पोल्यूशन में तुम्हारे दादा परदादा बड़े हुए। और बड़े कमजर्फ और कमी होते हैं वो लोग जो थोड़ा सा अंधेरा देखकर आने वाली सुबह की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ तुम फरंगियों के मुल्क में और रहो उन झूठे ख्वाबों की दुनिया में। खान बाबा, नुमान ने फ्लाइट कैंसिल कर दी है, आपसे मिलना चाहते हैं। उसको आज जाना था। जी सर, उसको बुला के लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने आज जाना नहीं था? मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल। तुमने अपनी फ्लाइट क्यों कैंसिल करवाई? लाला, अब मुझे एहसास हो गया कि अपना मुल्क अपना होता है। इस शोर में, इस पोल्यूशन में वो सुकून है जो मुझे कहीं पे भी किसी कोने में मिली। लाला, मेरी गलती है कि मैं अपने झूठे ख्वाबों की दुनिया में खोकर अपने हीरे जैसे मुल्क को पहचान ना पाया। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो फिर कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद। लोड शेडिंग बहुत होती है, उसके हिसाब से बिल को 5 रुपए आना चाहिए लेकिन 20,000 आता है। बट व्हाटएवर, मुल्क तो अपना है ना। गाइस, ओवरसीज जैसी फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मगर जो भी है मुल्क तो अपने है ना। डिग्रियों वाले रोड पे मर रहे होते हैं, सिफारिश वाले कुर्सियों पे बैठे होते हैं। जो भी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।